देखिए सुबह सुबह का वक्त है, आप में से कई लोगों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम या फिर ब्रेड बटर खाने की आदत होगी। जैम या बटर ब्रेड में लगाकर खाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासी ब्रेड पर जैम और बटर लगाने की होड़ मची हुई है। किसमें यह होड़ है, जानिए इस रिपोर्ट में। मोदी जी ने एक जैम लाया, उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? अरे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है। यूपी के चुनावी समर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों वोट बैंक पर जैम और बटर लगाकर सत्ता का स्वाद चखना चाह रही है। एक तरफ जैम के बहाने बीजेपी अपने काम गिना रही है, अखिलेश पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी बटर भेजने का दावा करते हुए जैम को लेकर पलटवार कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में जैम का जिक्र सबसे पहले अमित शाह ने शनिवार को किया था। मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अमित शाह का जवाब अखिलेश ने अपने यूपी दौरे के दौरान रविवार को दिया। बीजेपी के लोग जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमित शाह ने समाजवादियों के लिए जैम का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी बताया। दरअसल बीजेपी इन तीनों नामों, तीनों चेहरे को समाजवादी पार्टी से इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये तीनों चेहरे अलग अलग संदर्भ में हैं। जिन्ना मतलब बंटवारा, लाखों की मौत के जिम्मेदार। आजम खान फिलहाल भ्रष्टाचार केस में जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी का मतलब है खौफ और गुंडा राज। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि अमित शाह ने ये तंज कसा कहा है। आजमगढ़ में यानी पूर्वांचल में, जबकि जवाब दिया कुशीनगर में, जो कि पूर्वांचल का ही हिस्सा है। दरअसल यूपी में सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही जाता है। पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 164 में से 115 सीटें जीती थी। वहीं पूर्वांचल में 2017 में समाजवादी पार्टी को 17 सीट ही मिल सकी थी। वहीं अलीगढ़ में ओवैसी की रैली में भी जैम का जिक्र आ गया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हमको टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते, तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं? हर बात में आजम खान, अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में सत्ता की ब्रेड पर न जाने कितने जैम लगेंगे, किस किस फ्लेवर के जैम लगेंगे। ऐसे में फैसला तो जनता को ही करना है कि उसको किसका जैम पसंद आएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।